दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस के बारे में। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है हमारे सामने आ रहा होता है। तो जो सबसे टॉप पर आपको बार नज़र आ रही है, इस बार का नेम आप देख सकते हैं, इसका नेम है टाइटल बार। और टाइटल बार में हमें प्रोग्राम का नेम नज़र आता है और उसके साथ जो भी आप फाइल जो है प्रोग्राम में क्रिएट कर रहे हैं उसका नेम भी आपको साथ ही जो है नज़र आएगा। जब आप फर्स्ट टाइम जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो है डॉक्यूमेंट वन इस तरह से जो है नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जब आप फाइल को किसी भी नेम से सेव करेंगे तो उसका नेम जो है आपके पास यहाँ पर नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पर जो है टाइटल बार के बाद आपके पास टैब्स अवेलेबल हैं, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, इस तरह ये सारे टैब्स जो हैं यहाँ पर आपके पास जो अवेलेबल हैं। और ये टैब्स जो है कनेक्ट किसके साथ हैं, यहाँ पर रिबन्स के साथ। अब इसी तरह अगर मैं इस रिबन का नेम जानना चाहता हूँ तो इस रिबन का नेम है होम रिबन। इसी तरह इंसर्ट रिबन, पेज लेआउट रिबन, डिफरेंट रिबन जो हैं हमारे सामने जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके बाद जो बॉटम में बार नज़र आ रही है, इस बार को क्या कहते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस बार से आपको क्या पता चल रहा है कि आपका आप प्रोग्राम अपने डॉक्यूमेंट में कौन से पेज पर जो है काम कर रहे हैं और कितने वर्ड्स जो है अपने यहाँ पर जो है टाइप किए हैं। इसके अलावा स्टेटस बार से जो है आपको प्रोग्राम को या आपके जो पेज है इसको जूम इन और जूम आउट भी जो है यहाँ से कर सकते हैं। और डिफरेंट लेआउट्स भी जो है काम करने के यहाँ पर आपके पास जो है अवेलेबल हैं। इसके बाद जहाँ यहाँ पर जो आपको बार नज़र आ रही है, इस बार को जो है स्क्रॉल, वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं, जिससे आप अपने पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। और साथ ही जो है यहाँ पर आपके पास जो स्क्रॉल बटन्स भी अवेलेबल होते हैं, आप स्क्रॉल बार को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं और स्क्रॉल बटन्स के ज़रिए भी जो है अपने पेज को अप एंड डाउन जो है कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बार जो है नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर आप इसको जूम इन करके देखेंगे तो आपके पास एक और बार जो एक्टिवेट हो जाएगी जिसका नाम है आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो उसमें भी आपके पास इसी तरह आप अपने प्रोग्राम को लेफ्ट और राइट जो है मूव करवा सकते हैं और साथ में जो है उसके बटन्स को भी जो है वहाँ पर आप यूज़ जो है कर सकेंगे। इसके बाद लास्ट में यहाँ पर आप अगर आप देखें तो ये आपके पास विंडोज़ मैनेजमेंट बटन्स हैं, जहाँ से आप प्रोग्राम को मिनिमाइज़ और इसके बाद जो है क्लोज़ और रिस्टोर और फुल स्क्रीन जो है कर सकते हैं। और इसके बाद आपके पास जो है यहाँ पर रूलर अवेलेबल है इस इंटरफेस में, यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है उसकी विड्थ चेक कर सकते हैं जो आपने सेट की हुई है। इसी तरह आपके पास जो है वर्टिकल रूलर भी जो है अवेलेबल है, और यहाँ से इस कॉर्नर से आप रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट जो है कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास में ये इंटरफेस आपको समझ में आ गया होगा। आपको फिर भी अगर समझने में कुछ मुश्किल हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताएँ। थैंक यू।